बिर्ला हाउस मध्ये आज भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची 147वी जयंती या ठिकाणी साजरी केली। खरं म्हणजे ही एक ऐतिहासिक वास्तु आहे। यामध्ये महात्मा गांधीजींचं वास्तव्य होतं, त्याचबरोबर सरदार वल्लभभाईंचं पण वास्तव्य होतं। आणि अशा या ऐतिहासिक वास्तूमध्ये आज सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती साजरी केली। मी त्यांना वंदन करतो, विनम्र अभिवादन करतो। सर, हिंदी में ये जानना चाहिए कि आज यहाँ पर बिरला हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 147वीं जयंती का आयोजन किया है। यहाँ एक हिस्टोरिक प्लेस है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के वास्तव्य था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी वास्तव्य था, और ऐसे ऐतिहासिक वास्तु में आज उनकी 147वीं जयंती का आयोजन किया था। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वंदन करता हूँ, उनको विनम्र अभिवादन भी करता हूँ। सर, बीएमसीच्या 12,000 कोटींच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये संशय आहे की गैरव्यवहार झाले, त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून आता कॅग म्हणून रिपोर्ट तयार केला जाणार, काय वाटतं घेऊन पुढे नाही जे काय असेल ते त्याच्यामध्ये कॅगचं चौकशी होईल आणि जे काय असेल ते समोर येईल। परंतु आपल्याला मी सांगू इच्छितो, कुठलीही चौकशी सूडबुद्धीने आकसापोटी राजकीय हेतूने केली जाणार नाही, त्यामध्ये पारदर्शकता असेल। आणि त्यामुळे अहवाल चौकशी झाल्यानंतर अहवाल आल्यानंतर पुढचं आपल्याला ते काही बोलता येईल। सर, ये हिंदी में जाना चाहिए, 2 साल के कामकाज को बीएमसी के कैग में जांच के आदेश दिए गए। हाँ, जो विधानसभा में कुछ विधायक लोगों ने मांग की थी और उनकी मांग के अनुसार गृहमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए तो कि कैग के माध्यम से चौकीसी की जाए, और वो उसी के तहत जो भी होगा वो उसमें पारदर्शकता होगी, किसी के ऊपर राजकीय हेतु से प्रेरित होकर कुछ भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। जो भी होगा वो उसमें पारदर्शकता होगी, और ये अहवाल आने के बाद ही, रिपोर्ट आने के बाद ही आगे के बारे में बात कर सकते हैं।